गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, आर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया था, ठीक है, और एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताया था, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और मैंने आपको ये बताया था कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, है ना, तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं तो कभी कभी वो सडन मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी स्लो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सडन मूवमेंट्स की बात करें तो अर्थक्वेक है, वॉल्केनोस हैं। तो आज की वीडियो में हम अर्थक्वेक और वॉल्केनोस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थस क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। मतलब वॉल्केनो क्या होता है, एक तरीके की ओपनिंग होती है, मतलब खुलना, जहाँ से निकलना, क्या, कहाँ पर, अर्थ की क्रस्ट में, मतलब अर्थ की क्रस्ट से की ओपनिंग जो खुल रही है वहाँ से, थ्रू विच, जहाँ से क्या होता है, मोल्टन मटेरियल, जो मोल्टन मटेरियल होता है वो इरप्ट्स बाहर निकलता है सडनली, अचानक। तो वॉल्केनो का मतलब तो आप सभी को पता है, ज्वालामुखी। तो क्या होता है, एकदम से ज्वालामुखी फटती है, है ना, अर्थ की जो क्रस्ट है, तो अर्थ की क्रस्ट में से क्या होता है, बहुत सारा गैसेस और बहुत सारा मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये अर्थ वॉल्केनो की पिक्चर है, ये क्या निकल रहा है यहाँ से, गैसेस और ऐश निकल रही है। ये क्या है, क्रेटर। क्रेटर क्या होती है, क्रेटर हम ये कह सकते हैं, मतलब जहाँ से गर्म गैसेस और लावा क्या होता है, निकलता है, क्या निकलता है, यहाँ से लावा निकलता है। तो यहाँ से क्या निकलता है, लावा। ये क्या है, वेंट, मतलब जहाँ से ओपनिंग हो रही है, फिर उसके बाद क्या निकल रहा है, रेड रेड लावा, ठीक है। फिर ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट है और ये मेंटल है। तो इस तरीके से वॉल्केनो फटता है, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। सिमिलरली वैन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, इसी तरीके से जब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, क्या करती हैं, मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय प्लेट्स, तो जो हमारी अर्थ की सरफेस है। अब देखिए, जब किसी चीज़ में मूवमेंट होगा तो मूवमेंट होने की वजह से वो चीज़ हिलेगी, वाइब्रेशन होंगे, क्या होगा, उस चीज़ में वाइब्रेशन होंगे ना, तो जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, अब जो वाइब्रेशंस है, अब एक जगह पर कोई चीज़ अगर हिली तो उसके आसपास की चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारी पूरी अर्थ में होने लगते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक कहते हैं ना, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने का मतलब पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी में वाइब्रेशन होने लगते हैं, पृथ्वी हिलने लगती है, क्या, पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वे द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, देखिए क्रस्ट में जो जगह, क्रस्ट में जगह जहाँ पर क्या होता है, ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट होता है, क्या होता है, ये जो मूवमेंट है स्टार्ट होता है, तो ये जहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस। तो जहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, अब जो जगह फोकस के ऊपर वाली जगह को हम बोलते हैं एपी सेंटर, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, मतलब जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो चीज़, वो जगह कहलाएगी फोकस, और जहाँ पर फोकस के ऊपर वाली जगह को हम बोलते हैं एपी सेंटर, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं फिगर, ये देखिए फोकस कहाँ है, ये क्या है, फोकस, ये जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। अब ये क्या है, ये प्लेट की बाउंड्री है, क्या है ये वाली, ये प्लेट की बाउंड्री है, ठीक है। और फोकस के ऊपर वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। और ये क्या है, साइज्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर एक जगह वाइब्रेशन होगा तो वो एक वाइब्रेशन पूरी अर्थ में फैल जाएगा, पूरी अर्थ में ट्रैवल करेगा। इसी तरीके से ये जो साइज में क्या है, ये
साइज़मिक वेव्स हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इनका मूवमेंट पूरी अर्थ में हो रहा है, इनका मूवमेंट क्या हो रहा है पूरी अर्थ में हो रहा है, सारी डायरेक्शंस में हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। अब आप ये देख रहे हैं कि जो वाइब्रेशंस है वो एपी सेंटर से ही तो निकल रही हैं, है ना, बाहर की तरफ, एपी सेंटर से बाहर की तरफ ये वाइब्रेशंस निकल रही हैं। जिस तरीके से वेव्स निकलती हैं उसी वे में ये वाइब्रेशंस निकलती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर। मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होता है, एपी सेंटर पर होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होता है, एपी सेंटर पर होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे सेंटर से, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होगा, सेंटर पे, और जैसे और सेंटर के बाद क्या होती है, सेंटर से अगर हम दूर देखें, सेंटर से दूर, तो ये अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है, जो अर्थक्वेक की ताकत होती है, वो सेंटर से दूर कम होती चली जाती है। मतलब जितना जितना सेंटर से दूर होता चला जाएगा उतनी उतनी अर्थ की जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होगी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर थोड़ी कम, फिर यहाँ पर थोड़ी कम, तो कम होती चली जाती है जैसे जैसे जो वेव्स हैं वो, जो वाइब्रेशंस हैं, क्या होते हैं, सेंटर से दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ओके, अब देखिए वर्ड ओरिजिन। एंडो, एंडो मींस क्या होता है, इनसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड, और इसके साथ हमने इसकी ओरिजिन ऐड कर दी, जेनिक। तो ये क्या वर्ड बन गया, एंडोजेनिक, मतलब जहाँ पर अंदर काम होता है, जहाँ पर जो फोर्सेस अंदर काम करते हैं वो एंडोजेनिक कहलाते हैं, और जो फोर्सेस बाहर काम करते हैं वो एक्सोजेनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उसे भी पढ़ लेते हैं। टे का कंटेनर, आपको क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उसको पानी से भर देना है। कंटेनर लेने के बाद उसको आपको किसे भर देना है, पानी से भर देना है, और उसको, उस कंटेनर को आपको ढक भी देना है, मतलब एक ढक्कन से बंद कर देना है। पुट द वाटर टू बॉयल, उसके अंदर आप पानी डाल देंगे उबलने के लिए। नाउ पुट सम पीस स्पून एंड बीड्स ऑन द टॉप ऑन द लिड। आप क्या करिए, कुछ पीस, कुछ स्पून और कुछ बीड्स, बीड्स होते हैं ना, वो आप क्या करिए ढक्कन के ऊपर रख दीजिए। किसके ऊपर रख दीजिए, ढक्कन के ऊपर रख दीजिए। वॉट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे, देखिए एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिंस टू शेक। जैसे आपने देखा है, आपने पानी उबलने रखा और पानी उबलने के ऊपर आपने प्लेट रखी, तो भाप की वजह से वो प्लेट हिलने लगती है, लगती है ना, तो गर्मी की वजह से वो जो वेव्स हैं, जो उसमें से लेयर्स निकल रही हैं, उन लेयर्स की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ ना, उन लेयर्स की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो यही हुआ कि जैसे जैसे पानी उबलता लगेगा, जो उबल, जैसे जैसे पानी उबलेगा तो जो लिड है, जो ढक्कन है, वो भी क्या होने लगेगा, शेक होने लगेगा, हिलने लगेगा। ये तो आप बहुत इजीली एक्सपीरियंस कर लेते हैं घर पर, जब कभी भी आप पानी रख उबलने के लिए रखते हैं और उसके ऊपर प्लेट ढकते हैं, तो जब पानी बहुत तेज़ बॉयल हो जाता है तो पानी उबलने लगता है, खोलने लगता है, तो उबलने की वजह से जो ढक्कन आपने ढका हुआ होता है वो क्या होने लगता है, हिलने लगता है। यही होता है ना। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट। अब जो चीज़ें आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं वो भी क्या होने लगेंगी, वाइब्रेट होने लगेंगी मूवमेंट की वजह से। जो लेयर्स है, लेयर्स, जो पानी की भाप निकल रही है, तो उससे क्या होगा, जो पानी की गर्मी निकल रही है उस वजह से जो लिड के ऊपर आपने जो सामान रखा है, उस ढक्कन के ऊपर जो सामान रखा हुआ है, वो भी क्या होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा। द बीड्स रोल डाउन, अब जो बीड्स रखे हैं वो रोल घूमने लगेंगे। एंड द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड, और स्पून क्या होने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी, और वाइब्रेट होने पर क्या निकलेगी, उसमें से आवाज़ निकलेगी। अब अगर आप ढक्कन भी ढक रहे हैं उबलते हुए पानी के ऊपर,
ढक्कन भी रख रहे हैं, उस कंटेनर के ऊपर ढक्कन ढक रहे हैं जिसके अंदर पानी उबल रहा है, तो वो ढक्कन भी हिलकर आवाज़ करने लगता है ना। तो इसी तरीके से जो बीट्स हैं वो रोल होने लगेंगे, जो आपने स्पून रखी है वो वाइब्रेट करने लगेगी, वाइब्रेट करने से क्या होगी उसमें से आवाज़ निकलेगी। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स, और इसी तरीके से जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ भी क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, क्योंकि नीचे से जो लेयर से मूवमेंट होने लगता है और मूवमेंट होने की वजह से हमारी अर्थ भी क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, हिलने लगती है। ठीक है। ऑल दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ऑल दो जो अर्थक्वेक हैं उनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं ना। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, तो अर्थक्वेक से जो नुकसान होने वाला है उससे अगर हम बचना चाहते हैं, अगर उसे हम जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा उसको कम करना चाहते हैं तो हमें पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाई पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, अब है ना। तो क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने से पहले जो जानवर होते हैं उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे वो भागने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर क्या करते हैं लोग पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, अब जो तालाब में जो मछलियाँ हैं वो भी क्या होने लगती हैं, भड़कने लग, मतलब हम ये कह सकते हैं वो भी क्या होती हैं, परेशान सी हो जाती हैं, हिलने लगती हैं, मतलब उनमें भी चेंजेस आने लगते हैं। स्नेक्स केम टू द सरफेस, स्नेक कम टू द सरफेस, और जो स्नेक्स होते हैं जो पानी में रह रहे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सरफेस पे आते हैं। तो मतलब इस तरीके का आसपास अगर कोई चेंजेस हमें दिखाई देते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि शायद अर्थक्वेक आने वाला होता है, आने वाला है, और उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, अब गुजरात में अर्थक्वेक आया उस वजह से देखिए क्या क्या नुकसान गुजरात में हो गया पूरी। अब जब पृथ्वी हिलेगी तो पृथ्वी हिलने से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो क्या होंगी, गिर जाएंगी। भूकंप आया, समझ गए ना, भूकंप आने पर क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है। अब हम ये जो केस स्टडी है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है वोल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है और पढ़नी है। मतलब अब आपको स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।